शाजापुर जिला अस्पताल का नोडल अधिकारी ने किया निरीक्षण, व्यवस्था सुधारने के लिए दिए दिशा निर्देश। शाजापुर अस्पताल की व्यवस्था बनाने के लिए शाजापुर कलेक्टर ने जिला अस्पताल में नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। आज अस्पताल का नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर अखिल राठौर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संयुक्त कलेक्टर एवं अस्पताल नोडल अधिकारी अखिल राठौर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा। अस्पताल में जहां अव्यवस्थाएं दिखी वहां पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। देखिए, जिला अस्पताल स्तर के नाते यहां पर सुधार की काफ़ी गुंजाइशें हैं। कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जैसे निर्देश मिलेंगे उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है और यहाँ कुछ नई बिल्डिंग्स का निर्माण होना है, क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण होना है, ब्लड बैंक का रिनोवेशन होना है। उन सब कार्य की प्लानिंग के अनुसार कार्य हो ये हम कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं पेशेंट से संबंधित हैं उन सारी व्यवस्थाओं का खाने पर और अन्य चीज़ साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है तो उसके शीघ्र ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सर, रेफर केंद्र का एक ठप्पा लगा है, वो सारी व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठा था, इसको कैसे सुधारें? कोशिश करूँगा कि जनता की एक्सपेक्टेशन है, जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है उन पे प्रशासन खरा उतरे और उसी के तहत कोऑर्डिनेशन से और नियमों का पालन करते हुए और जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें नियमों का पालन कराते हुए कार्य कराए। सर, किचन का निरीक्षण करा था, किस तरह की अनियमितता मिली? श्रोताओं को दिए जाने वाले लड्डू में भी कुछ गड़बड़ की बात सामने आई थी। हाँ, उनको बता दिया है, लड्डू में गुड़ी गुड़ था तो वो आगे से ठीक करेंगे उसको। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।